एनआरसी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। आधार का एक अलग पर्पज है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाना ही चाहिए। और वो बनाने के पीछे किसी को भला क्यों अन्याय होगा? क्या डर है? जो इस देश के नागरिक है उसको कोई अन्याय नहीं होगा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि इस देश के नागरिक एक भी मुसलमान को अन्याय नहीं होगा। इसका सरकार सब, मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूं, कभी भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट है। कोर्ट में इसको चैलेंज होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, कैसे हो जाएगा? एक प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है और आप इतना बवाल कर रहे हो। और उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या लेन देन? इसका कोई लेन देन। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियों ने आज ही प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये कहा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस होना चाहिए। क्या ये वापस होगा? जरा भी नहीं होगा, किंचित मात्र संभावना नहीं। अमित शाह जी, हम मानते हैं कि ये लाखों करोड़ों लोग जो अपना धर्म बचाने के लिए देश की शरण में आए हैं, नेहरू लियाकत अली पैक्ट के अनुसार इस देश का दायित्व है कि हम इसको करें। और ये नौबत ही न आती अगर कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेता इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर इसकी सहमति न देते। जब आपने विभाजन धर्म के आधार पर किया है और वहां से धार्मिक लघुमती जो है, धार्मिक माइनॉरिटी है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, अल्पसंख्यकों की, तो उनको नागरिकता नहीं देंगे, ये कहां जाएंगे?